ये थाना दुमक में मार्च के महीने में 4 चोरी के अपराध पंजीबद्ध किए गए थे। ये रिपोर्ट शिक्षकों द्वारा दर्ज कराई गई थी कि ग्राम है ग्राम सिलोटा, ग्राम विजय पानी के चारों स्कूलों में रात्रि के समय ताला तोड़ करके टीवी, बर्तन, गैस, गिलास, थाली आदि सामग्री किसी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी। इस चोरी की तलाश के दरमियान में कल दिनांक को ग्राम विजय पानी और सलैया में पता किया गया। जो सूचना मिली कि ग्राम सलैया के और विजय पानी के नरेंद्र उर्फ अमित एवं रामेश्वर पटेल और महेंद्र यादव तीनों ने मिलकर के चारों स्कूलों में चोरी की है। चोरी करने के पश्चात उस जो सामान है अनिल तिवारी करके हैं जो उसी गांव का रहने वाला है उसके यहाँ पे चोरी का सामान रख दीजिए और तीन जो उसमें टीवियां हैं तीनों टीवी को सिवनी टोला जो तिलवारा थाना पड़ता है जबलपुर के अंतर्गत वहां के दो लोग हैं मुकेश उर्फ मोनू एवं देवकरण पटेल तथा एक रंजीत पटेल है पिपरिया खुर्द का ये बर्गी थाने के अंतर्गत जबलपुर का है। तीनों लोगों के यहाँ ले जाकर के तीन टीवी को इन्हें 6,000 रुपए में बिक्री करके आ गए थे। ये सूचना प्राप्त हुई, इसी सूचना के आधार पर जो आरोपी अमित परते हैं रामेश्वर पटेल और महेंद्र यादव तीनों को कल गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ की तो इन्होंने चोरी करना कबूल किए और उन्हीं की निशानदेही पे एक अमित तिवारी जो है उनके यहाँ से चोरी का जो रखा हुआ सामान था बरामद कर लिया गया। अमित तिवारी को और तीनों को गिरफ्तार करके लिया और पूछताछ में जो जबलपुर में ले जाकर के सामान बेचना बताया था तीनों टीवी पुलिस टीम बेच करके वो टीवी को जब्त कर ली गई और जिनने तीन टीवियां खरीदे थे वो तीनों खरीदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सारी संपत्ति बरामद कर ली गई है। लगभग ये चोरी की संपत्ति 1,00,000 के ऊपर की है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया जाएगा। कुल आरोपी कितने? इसमें कुल 7 आरोपी हैं, 3 चोरी करने वाले और 4 खरीदने वाले। इसमें मुख्य आरोपी है नरेंद्र उर्फ अमित परते। आपने हमारा चैनल राष्ट्रवाण सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।